हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग सेशन 69 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। अटैम्प्ट 2 है। फर्स्ट अटैम्प्ट में 4 क्वेश्चन सही है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज ब्लैंक स्लाइड, आपका पावर पॉइंट से है। सबसे पहले पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ब्लैंक स्लाइड को चूज करेंगे। यूजिंग न्यू स्लाइड फ्रॉम होम टैब, अब एक क्या करना है, ब्लैंक स्लाइड को ऑन करना है होम टैब से। तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैंक स्लाइड को चूज करेंगे। अब क्या बोल रहा है, सेट वाइड स्क्रीन स्लाइड साइज यूजिंग होम टैब, सॉरी यूजिंग डिजाइन टैब। सॉरी डिजाइन टैब में आ जाएंगे, कस्टमाइज ग्रुप के स्लाइड साइज पे जाएंगे और यहाँ से वाइड स्क्रीन ऑलरेडी है क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम करेंगे। अप्लाई स्लाइड नंबर टू द स्लाइड यूजिंग स्लाइड नंबर। सबसे पहले पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। क्या बोल, अप्लाई स्लाइड नंबर टू स्लाइड साइड स्लाइड यूजिंग स्लाइड नंबर फ्रॉम टेस्ट ग्रुप इन इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं एंड देन सेलेक्ट द स्लाइड नंबर चेक बॉक्स। सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप के स्लाइड नंबर पे और यहाँ से स्लाइड नंबर को चेक करेंगे और अप्लाई टू ऑल करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे। इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। चलिए पावर पॉइंट ऑन कर लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंटर द टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम इंसर्ट टैब एंड इंटर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट टैब में आएंगे और टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करेंगे और इसमें ये चीज टाइप करेंगे। चाहे तो आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट करके शॉर्ट की के माध्यम से ऐड करेंगे, ऐसे आंसर करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। इंटर द टेक्स्ट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, इसको क्या करना है, ऐड करना है। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। आगे बोल रहा है, इन द स्लाइड एडवांसेस द फॉन्ट स्टाइल अलगरीन एंड फॉन्ट साइज 20। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसे फॉन्ट स्टाइल क्या चेंज करना है, अलगरीन करना है। और यस करेंगे यहाँ से और साइज 20 करना है और यहाँ से सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट अ पिक्चर इन द स्लाइड, स्लाइड में एक पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे और ब्लैंक्स प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे। क्या करना है, इंसर्ट टैब में आएंगे और इमेज ग्रुप में पिक्चर पे क्लिक करेंगे और एक अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें एक पिक्चर को चूज करेंगे और इंसर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन, सॉरी सेलेक्ट फाइल ऑप्शन एंड सेव योर डेस्कटॉप विद द नेम ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सबसे पहले तो ऑन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और इसे क्या करना है, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के नाम से इस प्रेजेंटेशन को क्या करना है, सेव करना है। फाइल टैब में आएंगे और सेव पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे और फाइल नेम की जगह पे इसे पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे, सबमिट करेंगे।
इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट अ स्लाइड यूजिंग न्यू स्लाइड फ्रॉम होम टैब। एक जो है ना ब्लैंक स्लाइड को ऐड करना है, तो सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड को स्विच करेंगे। और इसमें क्या करना है, एक खाली स्लाइड को ऐड करना है, मैंने ऐड कर लिया। एंड इंसर्ट स्माइली शेप, और इसमें एक स्माइली फेस को ऐड करना है। लिस्टेशन ग्रुप में शेप में आएंगे और स्माइली फेस ये रहा, ड्रैग करेंगे। आई क्या कर रहा है, विद शेप आउटलाइन एज रेड, और इसका आउटलाइन जो है रेड होना चाहिए, तो शेप आउटलाइन पे आएंगे और रेड कलर चूज करेंगे। ऑन सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। ये कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम इंसर्टर, सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं, एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। एंड अप्लाई ए स्प्लिट एनिमेशन टू इट फॉर्म एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब में आएंगे, एक स्प्लिट इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई किए और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द इंसर्ट टैब, तो सबसे पहले तो मुझे पावर पॉइंट को ऑन करना होगा और उसके बाद में इंसर्ट टैब पे आना है। डेट एंड टाइम टू द स्लाइड यूजिंग डेट एंड टाइम एंड देन सेलेक्ट डेट एंड टाइम। क्या करना है, इसे डेट एंड टाइम को ऐड करना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट ग्रुप के डेट एंड टाइम पे आएंगे और डेट एंड टाइम को चेक करेंगे और अप्लाई टू ऑल करेंगे। इस प्रकार से स्लाइड में डेट एंड टाइम ऐड हुआ और सबमिट करेंगे। देखिए इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितना इजीली क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, स्लाइड पे राइट क्लिक करना है। उसके पहले क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्या बोल रहा है, एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट स्लाइड टू क्रिएट अ एक्स्ट कॉपी द करेंट स्लाइड। इसे क्या करना, इसका डुप्लीकेट सेलेक्ट करना, ये रहा क्लिक करेंगे, डमी एक बन गया, इसे सबमिट करेंगे। यस आई एम पे क्लिक करेंगे, एंड एग्जाम को सेलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे जब तक ए ओके विंडो हाईलाइट ना हो जाए। ओके पे क्लिक करेंगे। एंड अटैम्प्ट था 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।